क्या वादा करोगी पूरा? तुम ढूंढोगी उसे असूरा? तुम दिखने में वो एक लड़की होगी, सहमी सहमी डरती होगी, साथ में उसके होगा एक शख्स, नाम में उसका होगा बरअक्स, दोनों में ऐसी खोट डलेगी कि रोशनी घुप में लौट चलेगी, जम जाएगा जो था माया, पलट जाएगी वक्त की काया, जब उसके हाथ में खंजर होगा, हर सू जीवन बंजर होगा, हर जानिब अफरा तफरी होगी, इब्लीस के हाजिर नफरी होगी, जब खप में सारा जग भागेगा, सियाही का साया तप जाएगा। क्या वादा करोगी पूरा? तुम ढूंढोगी उसे असूरा? तुम छोड़ो मुझे। अंदर सब बरक्स है, उसने खुदकुशी नहीं की, कत्ल था वो, और कत्ल के पीछे जिल्ले इब्लीस का हाथ था, जिल्ले इब्लीस का। सुन रही? भूल ना जाना, अंदर सब बरक्स है। रुबाब, बाबर, एक औरत थी, कहाँ गई? कौन औरत? वहाँ कोई था काली चादर में, उसने मेरा हाथ पकड़ा था, तुमने नहीं देखा? लगता है तुम दिन में ख्वाब देखने लगी हो, वहाँ कोई नहीं है। चलो चलो।
तशरीफ रखिए। इतनी दूर इतने बड़े घरों में भी लोग रहते हैं। जगह कैसी है? सूरत है ना? मैं भी ऐसी जगह की बड़ा नहीं छोटे मकान का ख्वाब देखा करता था। पहले तन्हाई कम है। क्या हुआ? वही सर का दर्द। ऐसे लगता है जैसे दिमाग को कोई सीर है। मुझे नहीं पसंद ये जगह। क्या मसला है इस जगह को? बहुत दूर है। मैनेज कर लूंगा, तनख्वाह अच्छी है, हमारे इलाज के लिए जितनी रकम चाहिए। मेरे लिए मत करो। अच्छा बाबा, अपने लिए कर रहा हूँ, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम ऐसे कह रही हो जैसे हम किसी खतरनाक मिशन पे निकले हुए हो। और जो मस्तान कहानियां सुना रहा था उसका क्या? मस्तान सुना नहीं रहा था, बना रहा था। मस्तान का और काम क्या है? उसकी बातों पर यकीन मत करो। रात होने वाली है, कहाँ रह गया है वो? आ जाएगा। इसे बाहर क्या हुआ था? वहां कोई था, बल्कि थी। मुझे लगा कोई पागल है, लेकिन कुछ कह रही थी वो। अच्छा, क्या कह रही थी? पता नहीं, जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा तो दिल ही सीने से बाहर आ गया था। कुछ सुना ही नहीं दिया। पता नहीं अचानक से कहां से आ गई थी और फिर एकदम चली गई। बड़ी तेज सी है ना? जीतेगी जरा। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। मजाक कर रहा हूं, फिकर मत करो, वहां कोई नहीं था। शायद तुम सारे रास्ते मस्तान के किस्से अपने दिमाग में दोहराती रही हो, इस वजह से अब दिखने भी लग गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाबर साहब आइए। आप गालिबन बाबर हैं। जी जी, मैं सलाम अलैकुम। हम उरूसा हैं। टेलीफोन पे हमारी ही बात हुई थी आपसे। तशरीफ रखिए। आप खैरियत से हैं? जी जी हाँ, ठीक हूँ। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। हमारा मकान तलाश करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई ना?
जी नहीं, हाँ वो रास्ता नहीं मिल रहा था, दूसरे रास्ते में निकल गए थे। गलती आपकी नहीं है, हमारा गरीब खाना ही ऐसा पोशीदा है, ढूंढते ढूंढते लोग भटक जाते हैं। अलबत्ता भटकने के लिए ये रास्ते बुरे नहीं हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आपका इलाका। अब हमें पा लिया है तो खोएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी चाहते हैं। जी जी नहीं, इसमें इसमें आपकी क्या गलती है? आप ये काम कब से कर रहे हैं? 15 साल का था जब मेरी वालदा को फालिज हुआ, अकेले ही उनका ख्याल रखता था, आखिरी दम तक अपनी पूरी कोशिश की। फिर उनके जाने के बाद लोगों के वालदेन की। बचपन से ही मेरा लगाव, कनेक्शन कह लें, अपने से बड़ों से ही रहा है। उनका दर्द, उनकी खामोशी, उनके आंखों के बुझते दियों को किसी तरह भांप लेता हूं। फिर उसी रोशनी को जिंदा रखने की कोशिश। कब मेरा पेशा बन गया पता ही नहीं चला। आप हैं जवान, लेकिन आपकी रूह उम्र रसीदा है, इसीलिए पुरानी रूहों से दोस्ती हो जाती है जल्द आपकी। हमें भी ऐसे ही शख्स की तलाश है, हमने तो आपकी आवाज़ सुनते ही आपका इंतखाब कर लिया था। रिहाइश और खाना यहाँ हमारी तरफ से है, तनख्वाह भी मुनासिब होगी जिसका आपसे वादा किया था। हम तो चाहते हैं कि आप कल से ही काम शुरू करते हैं। आप सामान साथ लाए हैं अपना? जी लाया हूं, पर मैडम मैंने सोचा नहीं था कि इतना दूर। असल में मेरी बीवी मेरे साथ आई हैं। रबाब आई हैं? तो बुलाइए ना उन्हें। आपको उसका नाम कैसे पता? आप ही ने तो टेलीफोन पे बताया था, आप भूल गए शायद। आप बुलाइए ना। रबाब ऊपर आ जाएं। खुशामदीद रबाब, आइए बैठिए। आपके शौहर तो आपको 7 पर्दों में छुपाए रखना चाहते हैं। वैसे गलत नहीं कहते, ऐसे नूर पर तो 100 पर्दे भी कम पड़ जाएं। जी आपके जमाल की तारीफ कर रहे थे। रबाब और बाबर, वाह कुदरत ने क्या जोड़ी बनाई है। रबाब बाबर, बाबर और रबाब, क्या बात है। आप दोनों के नाम आप जानते हैं कि आप दोनों के नाम एक दूसरे के? जी जानते हैं, काफी अरसा तो ये छेड़ बने रहे हमारी। छेड़ने वाले आपके नामों की कीमत नहीं जानते, अरे गनीमत है ये। ऐसे अल्फाज अगर कोई शायर जोड़े तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाए। आपके नाम तो किस्मत के लिखे हैं, कुदरत की तहरीर हैं आप दोनों, और आपका यहां आना हाथों की लकीर। हम निशानियों को झुटलाने वालों में से नहीं हैं, और आप भी मत झुटलाइएगा। रबाब, हम आपके बाबर को तो कब का मना चुके हैं, लेकिन
जब तक आप नहीं मानेंगी, हम जानते हैं कि हमारा इसरार बेकार पड़ जाएगा, तो क्या कहेंगी? किस बारे में? हम चाहते हैं कि बाबर साहब कल से ही काम शुरू करते हैं। कल ही से? हमें पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है। आपको इस जगह से दूरी की फिक्र है या अपने बाबर से? जी, अगर दूरियां ही दूर हो जाएं तो? मैं समझी नहीं। सारा घर खाली है, आप दोनों यहीं रहिए एक दूसरे के करीब, किसी चीज की या किसी की भी कमी नहीं महसूस होगी आपको। इतनी जल्दी नहीं है, तसल्ली से अकेले में एक दूसरे से मशवरा कर लीजिए, फिर जवाब दीजिए। फिलहाल आप लोग यहीं तशरीफ रखिए, हम कुछ देर में आपको आपके मरीज से मिलवाते हैं। काफी रात हो गई है, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? आइए, आपको अरुषा मैम बुला रही हैं। शाहजी को जानते हैं आप? कुछ ज्यादा नहीं। कितना? बस लोगों की बातें सुनी सुनाई। लोग क्या कहते हैं? मैंने यकीन नहीं किया। मेरा जो काम है मैं सिद्ध के दिल से करता हूं, चाहे जो भी, मुझे कोई मसला नहीं। और लोगों की बातों से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? मैंने ये सुना है, मैं खुद नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि ये शामन आमिल हैं, हुआ करते थे। खुदा के बंदों को आजकल इन अलकाब से पुकारा जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये लोग, वो सब शायद अफवाहों से डरते हैं। आप नहीं डरते? डरना भी नहीं चाहिए। हाशिम शाह सिलसिला अमर बेल के जानशीन हैं, गद्दी नशीन हैं। एक जमाने में अपनी सल्तनत हुआ करती थी, अब ये बिस्तरी सल्तनत है। इनको क्या मर्ज है? बुढ़ापा। इससे ज्यादा मूजी मर्ज कोई और हो सकता है? और ये सारे दिए? जैसे डॉक्टर और हकीम जिस्म का इलाज करते हैं, ये भी एक किस्म का इलाज है। शाहजी के हाथ में इज़्ज़त था, शिफा थी, मरते हुए को भी जिला बख्श दिया करते थे। जब मौत को अपने करीब आते देखा तो इन दियों को जलाकर हिसार बांधकर खुद को इनमें कैद कर दिया। तब से हम इन दियों को तेल और ये दिए इनकी जिंदगी को तूल दे रहे हैं। एक लम्हे को भी हमने इन दियों को बुझने नहीं दिया। ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है या मौजज़ा? वो अस्पताल में होना चाहिए था।
आप मोंजो पे यकीन नहीं रखते? इत्तफाक हो या मौजज़ा, इसे साबित करने के लिए किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी इन दियों को बुझाने की। हम तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने तो 15 साल पहले ही जवाब दे दिया था। तब से बस ये दिए, सांस और उम्मीद सब कायम है। 15 साल से इन्होंने घर से बाहर कदम ही रखा। जब रूह को परवाज का हुनर हो तो इंसान को कदम बाहर निकालने के लिए कदम उठाने की जरूरत नहीं पेश आती। मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी? बहुत कम। वक्त पे दवा, खाना खिलाना, नब्स, बुखार, ब्लड प्रेशर वगैरह, सफाई का ख्याल रखना और सबसे बढ़ के इन्हें जिंदा रखना। आप अपने तरीके से और हम अपने तरीके से। मैं घर जाकर सोचकर बताता हूँ आपको। आप घर नहीं जा सकते, रात बहुत हो गई है, यहीं ठहर जाइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तकल्लुफ ना कीजिएगा प्लीज। इसमें तकल्लुफ नहीं, मजबूरी है। आपको इस वक्त सवारी नहीं मिलेगी। हादिम, इन्हें उनके कमरे तक ले जाइए। आप लोग आराम कीजिए और सुबह एक दूसरे से मशवरा करके आराम से जवाब दे दीजिएगा। रहनाल, रहनाल, ऐ लिशिक नादेश, ऐसी लुवेल आरुसब, रहनाल, रहनाल, ऐ लिशिक नादेश। ये क्या कह रहे हैं? शाहजी का जहन कमजोर हो गया है, यूं ही बड़बड़ाते रहते हैं। आप ध्यान मत दीजिए। धनाल, धनाल, ऐ ये नजदीक ना आदेश। ये रहा आपका कमरा। शुक्रिया। मुलाजमों को मेहमानों वाला कमरा कौन देता है? क्या हुआ? ये सर का दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। लो, ये खाओ और आराम करो। पहले कभी आराम आया है क्या? बोलो मत, गोली खा के सो जाओ, आ जाएगा। कितनी अच्छी है ना वो। कौन? चाची की बेटी अरूसा। अरूसा, कितना प्यारा नाम है, और वो खुद भी कितनी खूबसूरत है ना? ठीक है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तुम किसी की तारीफ कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है
कहाँ वो शहजादी और कहाँ मैं। हमारी वफादारी तो बस अपनी सल्तनत की मलका के साथ है। वो अलग बात है कि सल्तनत अभी दो ईंटों की भी नहीं, पर हो जाएगी। वैसे तुम्हारे उसके वालिद के बारे में क्या ख्याल है? वो कमरा, वो दिए, वो सारी कहानियां, कुछ अजीब सा था। तुम नहीं जाती तो हम कल ही यहां से चले जाएंगे। तुम हमेशा मुझ पर ही डाल देते हो, खुद सोचो ना क्या करना है। मैं पैसों की जरूरत है अरबाब, काम भी इतना नहीं है। ये बात हाशिम शाह की तो मैंने इसे मुश्किल केसेस देखे। किसी चीज की कमी तो नहीं है? नहीं, सब बहुत अच्छा है। ये आप लोगों का ही कमरा है। शाहजी के गुज़िश्ता खिदमतगार और उनकी अहलिया भी यहीं रहा करते थे। उनका सामान अभी भी इस कमरे में मौजूद है, अलमारी में। अलमारी खोलिएगा मत। तो वो लोग चले क्यों गए यहाँ से? खिदमतगार वफात पा गए। कैसे? खुदकुशी। क्यों? मालूम नहीं, दोनों में इत्तेफाक की कमी थी, मोहब्बत खत्म हो गई थी शायद इसलिए। क्या हुआ? सर में दर्द रहता है इनके। मैं देखू? बीमार हैं? आपके दिमाग में रसोली है? आपको कैसे पता? शाहजी की देन है, देख देख कर कुछ कुछ सीख गए हैं। पर आप परेशान मत हो, कैंसर का खतरा नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। हम आते हैं। आप पी लीजिए। क्या है इसमें? दूध है, आप पी तो लीजिए। क्या हुआ? ठीक हो गया। ठीक हो गया? ठीक नहीं, बल्कि बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे जैसे दर्द हवा में उड़ गया है। क्या है इसमें? अगर दर्द हवा में उड़ गया है तो जाहिर है शिफा होगी। आप इसे रोज पीजिएगा, मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। अभी आप आराम कीजिए, सुबह नाश्ते पे मिलते हैं। मैडम, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। जरूर।
यहां सोने नहीं आई, जागो। अपना काम शुरू करें। तशरीफ रखें। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूं। तबीयत बेहतर? जी बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया, दोबारा ऐसी ज़हमत ना करें प्लीज़। हम अपने कमरे में या नौकरों के कमरे में खा लिया करेंगे। क्यों, आपको हमारे साथ बैठ के खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। हम बस आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप लोग मेहमान हैं हमारे, गुलाम नहीं हैं। और जब तक हम अपने मेहमानों को अपनों से बढ़कर इज्जत ना दें, हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे आपकी मर्जी। आदिम, शाहजी के नाश्ते का वक्त हो गया है, बाबर साहब को ले जाइए और इनका काम इन्हें समझा दीजिए। मैडम, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछिए। ये बाकी मुलाजिम और खादिम हमारे साथ क्यों नहीं बैठे टेबल पर? सबका अपना अपना काम और अपना अपना मकाम होता है, इसकी फिक्र ना करें। इसे अपना मकाम अच्छी तरीके से पता है। और खादिम नहीं, हादिम नाम है इनका। अच्छा, एक और बात, आप प्लीज़ मुझे आप ना पुकारा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या कहें? तो फिर तो हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सिर्फ हम अपनी रुफिका को पुकारते हैं। मैं इस काबिल कहाँ, लेकिन मैं आपको तुम इस बात की तो तवक्को भी नहीं करते हम, मगर हमारी भी एक शर्त है। मैडम नहीं, हमें हमारे नाम से पुकारो। अरूसा, अपना क्लास खत्म करो, बाग में चलते हैं। तीन बातों का ध्यान रखना, दिए कभी बुझने नहीं चाहिए और रेत की लकीर कभी ना टूटे, और शाहजी के सामने अपनी नजरें नीची रखना, उनकी आंखों में कभी ना देखना, और हां, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। Thank you.
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।